नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि एक्सटर्नली फास्ट वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस ऐप का जो भी इधर इसका रिव्यू रहेगा वो देखने को मिल जाएगा जो कि 5.0 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो 1 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप को ऐसे आप अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो, तो उसी तरह से इस ऐप को ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों उसी तरह से सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे हमारे सामने कुछ इस तरह से इसकी जो भी सेटिंग रहेगी इधर देखने को मिल जाएगी, जो भी इसके ऑटो कनेक्ट का भी और सेटिंग वगैरह। तो उसी तरह से ऐसे हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे आप कौन सा भी सर्वर कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों उसी तरह से मैं ये वाला सर्वर कनेक्ट कर देता हूँ और उसी तरह से ऐसे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा कुछ इस तरह से ऐसे आपका जो भी सर्वर रहेगा कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी डाउनलोड और अपलोड की स्पीड रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों उसी तरह से ऐसे हमारे सामने हमारा जो भी सर्वर है कुछ ही देर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने इधर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करनी है और वेट करने के बाद दोस्तों कुछ इधर से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने वापस ऐड आएगी तो ऐड को हम वापस क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर में कुछ इधर से ऐड आ रही है तो ऐड को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वापस ऐड आएगी तो ऐड को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों कुछ इधर से वापस ऐड आएगी तो ऐड को यहाँ से हम ऊपर से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी जो भी स्पीड रहेगी वो यहाँ से आप स्पीड टेस्ट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने हमारी जो भी इधर जो भी स्पीड रहेगी वो भी यहाँ से आप चेक कर पाओगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी स्पीड है वो कुछ इधर से इसके जो भी स्पीड रहेगी वो देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ से हम बैग आएंगे। बैग आने के बाद दोस्तों कुछ इधर से यहाँ से आपके सामने वापस ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से ऑप्शन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने इधर ऐड रहेगी वो क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाने के बाद दोस्तों कुछ इधर से यहाँ से हमारे सामने हमारे वापस से इसे हम क्लोज कर देंगे और उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से बैक आने के बाद दोस्तों कुछ इधर से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से ऐसे वापस ऐड आएगी तो ऐड को क्लोज करने के बाद दोस्तों इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हो सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारे सामने हमारा जो सर्वर रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे कनेक्टिंग का ऑप्शन है तो कुछ ही देर में यहाँ पर अपना जो भी डिसकनेक्ट का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हमने कनेक्ट वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो डिसकनेक्ट नहीं होगा। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने मोड में अपने जो भी स्पीड वगैरह चेक करना चाहो वो भी कर सकते हो। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आप अपना जो भी सर्वर में सर्वर करके यहाँ से आप डिसकनेक्ट कर सकते हो। जो भी अपना सर्वर ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ से आप कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ से हम अपने जो भी स्पीड रहेगी वो यहाँ पर अपनी जो भी स्पीड रहेगी उसके हिसाब से कनेक्ट और डिसकनेक्ट यहाँ पर अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट और डिसकनेक्ट आसानी से कर सकते हो। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से अपने जो भी इधर क्लिक करोगे तो यहाँ से अपनी जो भी कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए आपको ऊपर की साइड भी यहाँ पर कनेक्ट क्लिक करके यहाँ से इसे बंद कर सकते हो जो कि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से बंद हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब।